जेपी मोदी आ चुके हैं, हमारी टीम बैंक पांच के लोग आएंगे, मित्रों को फोन करा नवाज साहब को मेरे आने सब बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है वो बदल दिया जाए तो फिर आपको वोट देना होगा मोदी जी को। क्या चाहते हैं आप, संविधान रहेगा नहीं रहे? संविधान रहेगा तभी हिंदुस्तान रहेगा, तभी हम रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू सब ने मिलकर दुनिया के न जाने कितने देशों के संविधान इकट्ठा किए थे और उनसे अच्छी अच्छी बातें लेकर मूल भावना लेकर इस संविधान का निर्माण हुआ। और संविधान ही हमें ये ताकत देता है कि हम लोकतंत्र में सांस ले सके। और ये माना सही आ गई तो अभी तो हमारी कुछ लोगों पर ईडी भेजी जाती है, कुछ लोगों पर सीबीआई भेजी जाती है, कुछ लोगों पर इनकम टैक्स भेज दिया जाता है। लेकिन यदि आप और हम गलती कर लेंगे और दोबारा से सत्ता उन्हीं लोगों के हाथ में चली जाएगी तो ये मत समझिए बड़े गड्ढा से लोग कर एक ईडी जाएगी। अकेले उन पर नहीं, हमारे पीछे भी बहुत ऐसे हैं जिसके पास कहीं सीढ़ी लगा जाएंगे कहीं। मनोज राणी जी के लिए इतना स्वागत करो हमारे मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। डॉक्टर उदित दास, डॉक्टर उदित दास, और पांच साल उनका और पांच साल मैं जब एमपी रहा यहाँ 65 लाख या 60 या 65 लाख का मैंने वृद्धा आश्रम बनाया, तमाम सारे काम यहाँ कराए गए। आज इसमें से मैं हाथ उठवाना चाहता हूँ, जब मैं एमपी था तो कोई भी जाकर के मुझसे मिल करके काम कराता था। कितने लोग जो गए हमें मिला हूँ उनसे, कितने लोग गए जो काम कराए, हाथ उठाइए जो लोग गए। तो इन्हीं शब्दों के साथ बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, आपकी विजय होगी ऐसा मैं सोचता हूँ। मैं डॉक्टर साहब से दो बात की प्रार्थना कर दूं, नाम लेने वालों के लिए कर दूं कि आपकी इजाजत है। नामलोई में जो हॉस्पिटल बनना है 106 बेड का, रेगर चौपाल के पीछे जमीन अलॉट है दूषित की। डॉक्टर साहब सबसे पहले आप अपना सेंक्शन अपना फंड दोगे, एलजी से मीटिंग करोगे तो हम बच्चा जब मैं 1991 में 17 वोट इस छत्र सिंह रजवाड़े डाले थे सज्जन कुमार जी के लिए, एक नंबर तीन नंबर में जाके, और मैं कोई मुकदमों से नहीं डरता। मुकदमे तो रोज लगते हैं, दीवार तोड़ने का कभी काहे का, मेरे लिए मुकदमों की कोई बात नहीं है, आपके लिए भी मुकदमे ले सकता हूँ। लेकिन एक बात करनी पड़ेगी, राजधानी पार्क में किसान समाज ने सकुल बनाने के लिए जमीन दी थी और हमारी कॉलोनी में जो सट्टा लगाने का काम है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दान दे रहे उन्हें रुकवाना पड़ेगा। ये तीन मांगे हमारी, आपकी मांगे मंजूर, कानून तक जो भी काम होगा उसको करा के छोड़ेंगे। धन्यवाद डॉक्टर उदित दास, डॉक्टर उदित दास। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जिस दिन तीसरी बार इस देश की सत्ता आपने उसी आदमी को सौंप दी तो भूल जाना आपको कोई अनाज का दाना मिलेगा, फिर तो पक्के तौर पे जम के बैठ जाएंगे और गरीब जनता से उसका कोई सरोकार नहीं रहेगा। ये सिर्फ इसलिए है कि इनको जो मेहनत कश लोग हैं,
इनको टुकड़े डालते रहो ताकि ये मरे तो ना, लेकिन इनको जिंदगी में ऊपर उठने का, आगे बढ़ने का मौका ना दो। इस किस्म की सोच की पार्टी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई सिर्फ डॉक्टर उदित राज जी की नहीं है, ये लड़ाई इंडिया गठबंधन की नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश के मतदाताओं की लड़ाई है। और उस देश के मतदाताओं में आप सभी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, साधारण मतदाता भी है। लड़ो इस लड़ाई को और इस देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए। हर कोई जितनी मेहनत करेगा उतना ही इस देश का प्रजातंत्र मजबूत होगा, इस देश का मतदाताओं को उनका हक मिलेगा। इस देश के अंदर जो लोग ऊपर उठना चाहते हैं उनके लिए रास्ता खुलेगा। और इसीलिए आज सारे का सारा विपक्ष इकट्ठा हुआ। मैं आखिर में हमारे रतन सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने यहाँ ये कार्यक्रम किया। सब मिलके काम करना, आप पार्टी के कार्यकर्ता भी, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी, और बहुत से यहाँ बाहर से दूसरे राज्यों से आगे बसे हुए हमारे भाई हैं, उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के हैं। और आप ये बात समझ, काफी भारी तादाद में आपको समर्थन देते लोग नजर आए, क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए? भूमि रथैया जी, ज्योति रथैया जी, कोई भी आ सकता है भाई मंच पे, बहुत बड़ा कराया था, आज हजारों की संख्या में आए। और उत्तर पश्चिम लोकसभा का मैं प्रत्याशी हूँ, आप जानते ही हैं, चुनाव एक तरफा हो गया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और जितने विपक्ष के साथी हैं सब के सब लड़ रहे हैं। और महंगाई इतना ज़्यादा है, बेरोजगारी इतना अधिक है, तो ये आप देख सकते हैं का जिस तरह से रिस्पांस है, ये गजब का रिस्पांस है, जनता खुद ही लड़ने लगी है। सर लोगों का ये कहना है कि आपकी जीत पक्की है, काफी प्यार नजर आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि वाकई में जीत जो पक्की है, पहले से ही जीत के नगाड़े जो है वो बजते नजर आ रहे हैं? अच्छा नहीं है, 5 साल मैं MP नहीं रहा तो भी काम करता रहा, 5 साल जो हंसराज हंस जो BJP के MP थे क्या काम किया। आज जो मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे, कल इनको इनका इलाज कराना हो, हॉस्पिटल की जरूरत पड़े, रोड की जरूरत पड़े, सीवर पानी बिजली, तो क्या मोदी जी से काम कराने जाएंगे? जो काम करता है उसको वोट देना चाहिए। मैं ये अपील किया, मैंने काम किया, काम करूंगा। सर आज ही जो महासभा की गई, जनता का काफी प्यार और समर्थन जो है उदित राज जी को देते हुए जनता यहाँ नजर आई, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पूरे हिंदुस्तान में हवा का रुख पलट रहा है, और खास करके यूपी में आप देखिएगा, यूपी में 50-50 होने जा रहा है। जब से राहुल गांधी जी ने रायबरेली में पर्चा भरा है और श्रीमती प्रियंका गांधी वहां प्रचार कर रही हैं, उसके बाद हवा पलट गई है। अब ये 400 की बात करते हैं, ये 400 वाला जुमला नहीं चलेगा, 200 पार कर लेंगे तो अभी बड़ी बात है। सर CM साहब 4 तारीख को दोबारा से अंदर जाने वाले हैं, तो क्या लगता है कि इलेक्शन के दौर में ही उन्हें अरेस्ट किया गया और सिर्फ 11 दिन के लिए उनको बाहर जो है वो 21 दिन के लिए छोड़ा गया, फिर से वो अंदर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संविधान को साथ ये जो खिलवाड़ किया जा रहा है ये गलत है सर या सही है? बिल्कुल गलत है। जब जब जुर्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा उठेगा इनकलाब के नाम, थोड़ा जल्दी करो, वो इनकलाब आने वाला।